So hello guys, welcome back in this session, in this video. And this video is all about broadcasting. NumPy, jo Python ki ek library hai, in previous lecture we had discussed about that. So NumPy ka ek bahut hi smart sa concept hai, that is broadcasting. NumPy Python ki ek bahut hi fast library hai for the high level mathematical operation. Hum jante hai. And you might be knowing about that. And this is broadcasting, that is basically a powerful mechanism, you can say, to perform operations or in array or on array of different shape or size, you can say. Matlab, agar aapke paas kuch different shape or size ke arrays hain and you want to perform some kind of mathematical or arithmetic operations on that, then you need to understand about broadcasting. So, वैसे हमें broadcasting apply करने की need नहीं होती है. बस हमें इसे समझना है ये practically कैसे perform होता है इन NumPy, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जो NumPy यूज करता है. मतलब कि जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हो तो इंटरनली NumPy यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग. जस्ट हमें समझना है कि ब्रॉडकास्टिंग है क्या. दैट्स इट. सी व्हेन वी हैव अ वेरिएबल व्हिच हैज एन एरे, 2D एरे बेसिकली, एंड वी हैव अनदर वेरिएबल इन व्हिच वी हैव स्टोर्ड 5. एक नंबर हमने स्टोर किया. नाउ वी वांट टू ऐड बोथ ऑफ देम. तो हमारे पास ए है एंड बी है एंड नाउ वी आर एडिंग एंड स्टोरिंग इट इनटू सी. इट्स अ सिंपल ऑपरेशन कि हमारे पास एक एरे है, 2D एरे, एंड हम उसमें 5 ऐड कर रहे हैं. तो 1 by 1 ये क्या कर रहा है, हर एक नंबर के साथ 5 को ऐड कर रहा है. सी 5 + 1 = 6, 5 + 1 = 2 = 7, 5 + 1 = 3 = 8 एंड सो ऑन. बट अगर आप एक चीज नोटिस करो तो दिस इज योर 2-dimensional एरे. This is 2-dimensional array, and this is a single value. This is a single value, scalar value. Now, ये 2D operations में single value को किस तरीके से use कर रहा है, ठीक है, ये समझने वाली बात है. तो अगर आपके पास कोई 2-dimensional array है, let's say this one, now 4, 3, 1, और इसे 5 के साथ operate करना है, तो एक concept है NumPy में, which is a parallel operation. तो NumPy क्या करता है, fast operation करता है. कैसे करता है, parallel operation. तो वो क्या करेगा, जैसे कि इसके साथ 5 को add करने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए 5 generate करेगा और इसके लिए भी 5 generate करेगा. और अगर वो इसमें भी parallel operation apply कर रहा है, तो 1, 2, 3, for every value it will generate 5 individually. Like that, and then 4, 3, and 1 + 5 + 5 + 5. So basically, क्या कर रहा है ये कि using single value ये copy करके just like 2-dimensional array ये 5 का एक 2-dimensional array बना रहा है, and it is giving 5 for every numbers. तो हर एक number के साथ operation हो रहा है, finally एक answer generate हो रहा है, और वो answer हमें यहाँ पे 2-dimensional array में मिल रहा है. तो ब्रॉडकास्टिंग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. एक एग्जांपल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जस्ट लाइक आपके पास एक्स है एंड यू हैव एरे और लिस्ट लाइक 1, 2 एंड 3, सिंगल डायमेंशन एरे. ये एक एरे है, ठीक है, एनपी डॉट एरे लगा के हम इसको बनाएंगे. एंड नाउ अगर आप यहाँ पे लिखते हो एक्स इंटू 5, तो बेसिकली हो क्या रहा है, यू आर पासिंग एन एरे विद 5. तो हमारे एरे में 3 नंबर्स हैं, सी 1, 2, 3. ये करेगा क्या, इट विल जनरेट 5 3 टाइम्स लाइक दैट. फॉर एवरी नंबर इट विल जनरेट 5 एंड पैरेलली इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड विल जनरेट द रिजल्ट. सो जनरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एरे और वैल्यूज और स्केलर नंबर्स इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ये किसी भी एक नंबर को मल्टीपल डायमेंशंस में कन्वर्ट कर सकता है ताकि पैरेलल ऑपरेशंस परफॉर्म हो सके. And this concept is called technically broadcasting in NumPy. So I think ये topic आपको समझ में आया है. Apart from that, if you have any doubt or question, then you can comment or contact us for further detail. Like and subscribe the channel. And thanks for watching.